बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स प्री फर्स्ट ईयर हम 3.3 स्टडी कर रहे थे, उसमें कल जो मैंने आपको पढ़ाया था वो था माइनर ऑफ एन एलिमेंट कोफैक्टर्स ऑफ एन एलिमेंट। उम्मीद है आपने बहुत अच्छी तरह उसको प्रैक्टिस की होगी। मैंने एक क्वेश्चन भी दिया था कि आपने प्रैक्टिस करना है। आज उसी की बेस पे हम 3x3 यानी जिसमें 3 रोज हों और 3 कॉलम्स हों उसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका सीखेंगे। एक क्वेश्चन अगर 3x3 का है तो वो आप फर्स्ट रो से कर सकते हैं, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, यानी हमारे पास टोटल मेथड हैं 6। तो अभी मैं आपको सारे बताऊंगा क्योंकि उसमें से ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, फार्मूले। तो उसके बाद जो क्वेश्चन हम करेंगे वो किसी एक मेथड से किए करेंगे। मैं एक क्वेश्चन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1। 5 -2 -4, 3 -1 -3 -2, 1 और 2। अब इसको देखें, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है। मैं फर्स्ट रो से फाइंड कर सकता हूँ, सेकंड रो से फाइंड कर सकता हूँ, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। ये कौन सी एंट्री है? ये 5 है, फर्स्ट रो में आ रहा है और फर्स्ट कॉलम में, उसको कहते हैं A11। जो एंट्री लिखेंगे साथ ही उसका कोफैक्टर, A11 का कोफैक्टर मैंने पढ़ा था कल, कैपिटल A11 इसको कोफैक्टर बोलते हैं क्योंकि मैं फर्स्ट रो से आ करता हूं। फिर आप प्लस लगाएंगे, जब आप प्लस लगाएंगे तो सेकंड एंट्री डियर स्टूडेंट है आपके पास फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो A12 या कैपिटल ए और ए, कैपिटल A12 उसका कोफैक्टर। फिर लास्ट एंट्री है A13 और कोफैक्टर आएगा A13, सबको ऐड कर देंगे अगर आप फर्स्ट रो से कर लें। दोबारा देखें, फर्स्ट रो की पहली एंट्री है जो कि फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम है, ऐसी एंट्री जो देखें पहले रो लेते हैं, ये कौन 5 कौन सी रो में है? फर्स्ट रो। और 5 कौन सी कॉलम में है? फर्स्ट। पहले रो लिखा फिर कॉलम, -2 फर्स्ट रो है और कॉलम कौन सा? सेकंड, तो A12। जो आप एंट्री लिखेंगे साथ उसी एंट्री का कोफैक्टर लिखेंगे, ये A11 है तो A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, आगे एंट्री है A12 कैपिटल A12, A13 और कैपिटल A13। चलिए A11 की जगह 5, अब इसको रफ पे करें, A11 इक्वल टू कल क्या बताया था -1 की पावर 1+1 और साथ M11। जब कोई आप कोफैक्टर निकालते हैं तो उसको क्या करते हैं, -1 की पावर में रो और कॉलम, पहली रो में आ रहा है पहले कॉलम में, तो -1 की पावर 1+1, उसके बाद क्या करेंगे आप के साथ उसका माइनस लिखेंगे, माइनस ये क्या बनेगा -1 की पावर 2। और M11 का क्या मतलब है कि पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम, बाकी क्या बच गया -1 -3 1 2, और -1 का स्क्वायर +1 होता है -1 -3 1 2। तो एक कैपिटल A11 की क्या वैल्यू आ गई -1 -3 1 2। ये रफ कर लें, दोबारा देख लें, A11 पहली एंट्री है 5, फिर कैपिटल A11 का मतलब होता है -1 की पावर 1+1 और साथ उसका माइनर, माइनर का मतलब होता है कि M11 यानी पहली रो छोड़ देते हैं और पहला कॉलम, बाकी जो बच जाए उसका डिटरमिनेंट। अब आ गए A12, A12 क्या है आपके पास -2 इधर प्लस है, और कैपिटल A12 किस कहते हैं कोफैक्टर को, ये होता है -1 की पावर 1+2 और साथ क्या आएगा M12। जब भी कोई कोफैक्टर निकालते हैं, कल मैंने डिटेल में बता दिया था कि उसको लिखेंगे -1 की पावर 1+2 और साथ उसका माइनर यानी M12, तो ये बनेगा -1 का क्यूब। M12 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो छोड़ दें और कॉलम कौन सा छोड़ दें, सेकंड, ये फर्स्ट रो और ये सेकंड, तो मेरे बच्चों क्या आएगा 3 -3 और -2 और 2, तो ये -1 का क्यूब होता है -1 3 -3 -2 क्या आएगा इधर 3 -3
माइनस टू और टू, ये माइनस वन का मतलब है इधर प्लस को क्या कर रहे हैं माइनस, ये माइनस है तो उसको मैंने इस प्लस की जगह क्या लिख दिया माइनस। आखिर में क्या है ए वन थ्री का मतलब क्या है माइनस फोर प्लस और ए वन थ्री माइनस फोर, और ए वन थ्री को रफ ख्याल कर लेते हैं ए वन थ्री का मतलब माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री, फर्स्ट रो छोड़ दें और थर्ड कॉलम, ये फर्स्ट रो छोड़ दी और थर्ड कॉलम, तो क्या आ गया थ्री माइनस वन माइनस टू वन, थ्री माइनस वन माइनस टू वन, तो ये आ गया मेरे माइनस वन की पावर फोर, थ्री किससे मल्टीप्लाई होगा वो आ गया आप करेंगे माइनस वन की इस पे ऐसे रहने थ्री, तो ये माइनस वन की पावर फोर प्लस वन, थ्री माइनस वन माइनस टू वन, तो क्या आ गया प्लस है ना वन है तो वन देखने की जरूरत नहीं है, तो थ्री माइनस वन माइनस टू और वन, तो दोबारा समझ लें यहां पर कि सबसे पहले आपने फर्स्ट ये देख लें कि कहां से हल करेंगे, फर्स्ट रो से भी हल हो सकता है, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। मैं फर्स्ट रो से अगर हल करूं तो फर्स्ट एंट्री लिखेंगे वो रो छोड़ने का वो कॉलम आपके पास, तो या डायरेक्ट क्या है ए वन वन कैपिटल ए वन वन प्लस ये एंट्री आ रही है ए वन टू कैपिटल ए वन टू, ए वन थ्री कैपिटल ए वन थ्री। अब देख लें ए वन वन एंट्री फाइव है और कैपिटल ए वन वन को आप रफ पहल कर रहे हैं क्या होता है माइनस वन की पावर वन प्लस वन और साथ होता है एम वन वन, एम वन वन तो मतलब है पहले रो छोड़ दें और पहला कॉलम माइनस वन माइनस थ्री वन टू उसका डिटर्मिनेंट और साथ क्या आता है माइनस वन की पावर वन प्लस वन, माइनस वन की पावर वन प्लस वन माइनस वन की पावर टू जो कि आपके पास प्लस वन होता है तो वो प्लस आ गया सिर्फ, ए वन टू की जगह माइनस टू और कैपिटल ए वन टू की जगह क्या बताया था माइनस वन की पावर वन प्लस टू यानी माइनस वन का क्यूब, और माइनस वन का क्यूब क्या होता है माइनस वन, तो ये साथ माइनस आएगा और ए वन टू का क्या मतलब है साथ एम वन टू यानी पहली रो छोड़ दें दूसरा कॉलम थ्री माइनस टू टू, फिर ए वन थ्री आएगा ए वन थ्री का मतलब है कि ये एंट्री माइनस फोर और कैपिटल ए वन थ्री का मतलब कोफैक्टर माइनस वन की पावर वन प्लस थ्री और साथ में माइनर लिखना है, माइनर का मतलब होता है पहली रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम, पहली रो तीसरा कॉलम थ्री माइनस वन माइनस टू वन और ए वन थ्री क्योंकि वन और थ्री को जमा करें तो इवन आ रहा है, इवन आएगा तो माइनस वन की पावर में अगर इवन हो तो प्लस। अब डायरेक्ट मैं आपको कैसे बताऊँ कैसे कर, अब इसको छोड़ दें क्योंकि आप ये तो मैंने समझाने के लिए या ऑब्जेक्टिव के लिए किया है, अब आपने जब पेपर में डायरेक्ट करना है उसका तरीका क्या है कि पहली एंट्री लिखें फाइव, फाइव चेक करें कौन सी रो में आ रहा है पहली रो पहला कॉलम दोनों को जमा करें, इवन होगा तो साथ प्लस, इवन होगा तो क्यों प्लस क्योंकि इसको लिखना होता है माइनस वन की पावर, इवन हो तो प्लस वन और माइनस वन की पावर ऑड हो तो माइनस वन, क्योंकि ये ए वन वन कैपिटल ए वन वन का फॉर्मूला होता है क्योंकि कैपिटल ए आई जे का फॉर्मूला है माइनस वन की पावर आई प्लस जे एम आई जे। अब देखें कैपिटल ए वन वन का मतलब है माइनस वन की पावर वन प्लस वन यानी माइनस वन की पावर टू जो कि इवन है तो इधर प्लस आएगा और साथ पहली रो छोड़ ए वन वन का मतलब है उसका माइनर एम वन वन पहली रो छोड़ दें और पहला कॉलम माइनस वन माइनस थ्री वन टू। आप देखें ए वन टू की जगह माइनस टू कैपिटल ए वन टू का मतलब है पहली रो छोड़ दें और दूसरा कॉलम थ्री माइनस टू टू और वन को टू में जमा करें आड आड हो तो माइनस टू बाहर करेगा माइनस, फिर ए वन थ्री का मतलब माइनस फोर वन और थ्री को जमा करें फोर इवन तो प्लस आएगा और ए वन एम वन थ्री का माइनर एम वन थ्री पहली रो छोड़ दें और तीसरा कॉलम थ्री माइनस वन माइनस टू और वन हल कर लें। अब हल कैसे होगा मेन डायगोनल एंट्रीज माइनस वन मल्टीप्लाई बाई टू रिमेन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री, मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में माइनस माइनस प्लस टू थ्री मल्टीप्लाई बाई टू माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस थ्री इधर प्लस माइनस फोर थ्री मल्टीप्लाई बाई वन माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, तो ये आपके पास आएगा फाइव माइनस टू माइनस माइनस प्लस थ्री
3 2 are 6 minus minus plus minus 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 4 3 1 are 3 minus minus plus or minus Diagonal 5, 3 minus 2, 1, plus 2 into 0, minus 4 into 1. 5, 1 are 5, plus 0, minus 4 equal to 1. तो 3 क्रॉस 3 का डिटरमिनेंट आपने निकालना सीख लिया। आसान तरीका क्या है कि हम हमेशा किस रो से हल करेंगे, पहली रो से। हल करने के 6 तरीके हैं, पहली रो से हल करें, दूसरी रो से, तीसरी रो से, पहले कॉलम से, दूसरे कॉलम से या तीसरे कॉलम से। अगर पहली रो से हल करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला था, इसको बिशा के लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए किया था। अब आपने डायरेक्ट कैसे करना है, पहली रो की पहली एंट्री लिखनी है, वो जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देनी है, और वो कॉलम पहली रो है पहला कॉलम, तो 1 प्लस 1 2 इवन है तो 7 प्लस 7 क्या देगा, प्लस लिखने की जरूरत नहीं। वो रो छोड़े वो कॉलम माइनस 1 माइनस 3 1 2, फिर आप दूसरी एंट्री लिखें उसकी, उसके साथ माइनस क्यों आएगा, क्योंकि ये दूसरी एंट्री है इस रो की, वो फर्स्ट रो में आ रही है और सेकंड कॉलम, रो फर्स्ट 1 है कॉलम 2 है, दोनों को अगर मैं ऐड करूं तो 1 प्लस 2 3 8 8 होगा तो 7 आएगा, माइनस क्यों माइनस आएगा, माइनस 1 की पावर पहले रो लिखते हैं फिर कॉलम, माइनस 1 की पावर 3 इक्वल टू माइनस, तो ये माइनस आ, फिर ये जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देते हैं, वो कॉलम 3 माइनस 3 माइनस 2 और 2। फिर आखिरी एंट्री लिखें पहली रो की, वो पहली रो में आ रही है और तीसरे कॉलम में, 1 प्लस 3 4 इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ दें ये कॉलम 3 माइनस 1 माइनस 2 1 3 माइनस 1 माइनस 2 1। आगे आपको हल करना आता है, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 3 माइनस 4, 3 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 1, माइनस 2 प्लस 3 6 माइनस 6 3 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 2, तो ये 3 माइनस 2 1 6 माइनस 6 0 3 माइनस 2 1 5 1 दर 5 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 माइनस 4 5 माइनस 4 1। अब देखिए इसके मैं जो पहले आपको 6 के 6 तरीके लिख देता हूँ और किसी एक तरीके से और हल करता हूँ, फॉर्मूले 6 के 6 आने चाहिए। आप दूसरी रो से हल करें, 3 कौन सी रो में आ रहा है, दूसरी रो और कॉलम कौन सा है, पहले, तो ए टू वन के साथ कोफैक्टर कौन सा होगा, कैपिटल ए टू वन, क्योंकि मैं दूसरी रो से हल कर रहा हूँ, फिर ये कौन सी एंट्री है, सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में, तो ए टू टू कैपिटल ए टू टू, फिर ये ए टू थ्री कैपिटल ए टू थ्री, सेकेंड तरीका ऑब्जेक्टिव के लिए नया फॉर्मूला मान गए। थर्ड रो में ए थ्री वन कैपिटल ए थ्री वन, ये कौन सी रो में आ रहा है, तीसरी रो दूसरा कॉलम ए थ्री टू कैपिटल ए थ्री टू, और ये ए थ्री थ्री कैपिटल ए थ्री थ्री। अब पहले कॉलम के लिए मैं लिखता हूँ, ये कौन सी रो में आ रहा है, ए वन और कॉलम वन कैपिटल ए वन वन, ये कौन सी रो में आ रहा है, ए टू वन, दो आपके पास रो दूसरी कॉलम वन, और साथ जो एंट्री होती है वही साथ को फैक्टर, ये कौन सी रो में आ रहा है, ए थ्री और कॉलम वन ए थ्री वन, इस तरीके से ये ए वन टू पहली रो दूसरा कॉलम और साथ कैपिटल ए वन टू, ये ए दूसरी आपके पास कौन सी है, दूसरी रो दूसरा कॉलम ए टू टू कैपिटल ए टू टू, और ये आपके पास एंट्री कौन सी रो में आ रही है, आपके पास थर्ड रो और कॉलम कौन सा आपके पास, सेकंड स्मॉल ए थ्री टू और कैपिटल ए थ्री टू, इस तरह लास्ट। तो आपको तरीका पता चल गया सारा का, हम हमेशा फर्स्ट रो से हल, मैं आपको एक काम करता हूँ, आपको थर्ड रो से हल करता हूँ इसी सवाल को, किस रो से हल करता हूँ, थर्ड रो से। मैंने क्या बताया, पहले वो एंट्री लिखेंगे माइनस टू कौन सी रो में आ रहा है, माइनस टू कौन सी रो में आ रहा है, तीसरी रो और तीसरे कॉलम, थ्री प्लस थ्री दोनों को ऐड किया आंसर आ गया सिक्स, सिक्स इवन आठ इवन हो तो क्या आता है सात प्लस, फिर साथ माइनस लेने के लिए क्या करते हैं, वो रो छोड़ देते हैं और वो कॉलम, ये आप रो छोड़ दें, वो एंट्री जिस रो में आ रही है वो रो छोड़ दें, वो कॉलम, बाकी बचेगा माइनस टू माइनस फोर माइनस वन माइनस थ्री,
फिर मैंने तीसरी रो से याद करो, तीसरी रो का मतलब तीसरी रो की दूसरी एंट्री लिखी है वन। आप इसके साथ अलामत चेक करते हैं कौन सी आएगी, ये वन कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो, और कॉलम कौन सा है, सेकंड, थ्री प्लस टू फाइव, फाइव क्या है आठ है, आठ हो तो क्या बताया इसके साथ माइनस। फिर ये जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देते हैं ये वाली, और ये इस रो में है और इस कॉलम में है, तो ये फाइव माइनस फोर थ्री माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर थ्री माइनस थ्री। इसको मैं एक बार दोबारा लिख देता हूँ क्योंकि अभी आपको सही बात नजर नहीं आ रहा होगा, ताकि आपके लिए कोई प्रॉब्लम ना मिले। फाइव माइनस टू माइनस फोर थ्री माइनस वन माइनस थ्री माइनस टू वन और टू। अभी मेरे बेटा इसको मैं हल करूँ तीसरी रो से, तो तीसरी रो की पहली एंट्री ये है, ये लिखें ये कौन सी रो में आ रही है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम थ्री प्लस वन फोर, फोर क्या है आपके पास इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ देते हैं ये देखें और ये कॉलम, वो जिस रो में आ रही है रो भी छोड़ दें वो कॉलम, बाकी माइनस टू माइनस फोर माइनस वन माइनस थ्री। फिर इसकी सेकंड एंट्री में ये वाली है वन, वन कौन सी रो में आ रही है, थर्ड, और कॉलम कौन सा ये वाला, थर्ड रो छोड़नी और सेकंड कॉलम, अगर इनको जमा करूँ ये एंट्री थ्री प्लस टू थर्ड रो है और सेकंड कॉलम वो देखते होते माइनस वन की पावर थ्री प्लस टू, ऊपर क्या आ रहा है आठ आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा माइनस, ये रो छोड़ देंगे बच्चों और ये कॉलम फाइव माइनस फोर थ्री माइनस थ्री, फाइव माइनस फोर थ्री माइनस थ्री, एंड क्या आएगा थर्ड रो से हल करें, किसी एक रो से हल कर सकते हैं मैं थर्ड रो से, टू टू कौन सी रो में आ रहा है, थर्ड रो और कॉलम थर्ड, थ्री प्लस थ्री सिक्स, सिक्स इवन है तो आंसर क्या आएगा प्लस। अब ये क्या करते हैं, ये जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ दें और वो कॉलम फाइव माइनस टू थ्री माइनस वन, फाइव माइनस टू थ्री और माइनस वन, हल करते हैं ब्रैकेट कर लो, आपके पास माइनस टू माइनस माइनस प्लस थ्री टू आर सिक्स माइनस माइनस प्लस और माइनस माइनस फोर, ये आपने इस लिखा था इस पेज से अप्लाई किया, फिर अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ माइनस वन फाइव अप्लाई माइनस थ्री माइनस फिफ्टीन और माइनस माइनस प्लस, एक ये माइनस और एक माइनस वैसे दरमियान में आता है, मेन डायगोनल एंट्रीज को आपस में अप्लाई करते हैं दरमियान माइनस सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज को आपस में, तो ये फोर थ्री आर ट्वेल्व फाइव अप्लाई माइनस वन माइनस फाइव और माइनस माइनस प्लस थ्री टू प्लस सिक्स, तो ये देखें आंसर सिक्स माइनस फोर टू माइनस फिफ्टीन प्लस ट्वेल्व माइनस थ्री, तो ये आपका माइनस फोर प्लस थ्री, थ्री प्लस टू फाइव माइनस फोर वन, ये आंसर वन पहले भी वन कोई फर्क नहीं। इसका मतलब है इसको कैसे हल कर सकते हैं, फर्स्ट रो से सेकंड रो से थर्ड रो से फर्स्ट कॉलम से सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से, मैं अगर किसी एक कॉलम से ट्राई करता हूँ, इधर लिखें एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर थ्री, इधर मेरे बच्चों क्या लिखा था एक्सपेंडिंग फ्रॉम आर वन, आप क्या लिखेंगे एक्सपेंडिंग फ्रॉम कॉलम वन, तो एक डिटरमिनेंट हल करने के थ्री प्लस सी के छह तरीके हैं, कॉलम वन से करते हैं कॉलम थ्री से कर लेते हैं, तो कॉलम थ्री की पहले एंट्री लिखेंगे, अब ये कॉलम थ्री है आपके पास, ये बाकी खत्म कर देते ताकि आपको सही समझ आए, कॉलम थ्री ये है बस, कॉलम थ्री की पहली एंट्री क्या है माइनस फोर, माइनस फोर तीसरे कॉलम में आ रहा है और पहली रो में है, थ्री प्लस वन फोर इवन है तो साथ बाय प्लस आएगा, ये रो छोड़ देते हैं माइनस फोर जिस एंट्री में आ रहा है वो रो छोड़ें वो कॉलम, बाकी बचे थ्री माइनस वन माइनस टू वन, थ्री माइनस वन माइनस टू वन। फिर आप थर्ड कॉलम से हल करें, हम किस से हल कर रहे हैं कॉलम थ्री, कॉलम थ्री की दूसरी एंट्री क्या है माइनस थ्री, अब देखें माइनस थ्री कौन से कॉलम में आ रहा है, थर्ड कॉलम है और रो कौन सी है सेकंड, तो अब आप क्या करेंगे थर्ड कॉलम छोड़ देंगे और सेकंड रो, थर्ड कॉलम थ्री और सेकंड रो टू, थ्री प्लस टू फाइव आठ है तो बाय बाय माइनस, ये रो छोड़े और ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम फाइव माइनस टू माइनस टू वन, फाइव माइनस टू वन, लास्ट में प्लस, ये टू आ रहा है आखिरी एंट्री क्या है थर्ड, टू टू कौन सी रो में आ रहा है
कॉलम तीसरा रो भी तीसरी है, 3 + 3 = 6 इवन है तो बाहर आएगा प्लस, ये रो छोड़ दें, ये कॉलम और ये रो, बाकी 5 - 2 - 3 - 1 ये -4 - 3 - -3 - -3 - 5 - - + और दरमियान में माइनस फॉर्मूले में आता है 5 - 5 - 3 - 6 तो ये -4 - 3 - 2 - 1 + 3 - 5 - 4 - 1 - 1 तो ये -4 - 3 + 2 - 5 -4 - 1 तो ये भी आंसर 1, ये भी 1 और ये भी 1। तो आज आपने क्या सीखा है, किसी भी डिटर्मिनेंट को हल कर 3 × 3 जिसमें 3 रोज हों और 3 कॉलम हों तो उसको हल करने के 6 तरीके हैं। या फर्स्ट रो से एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, या सेकंड रो से, या थर्ड रो से, या फर्स्ट कॉलम से, या सेकंड कॉलम से, या थर्ड। मैंने फर्स्ट रो से किया है और थर्ड रो से, आप सेकंड रो से भी हल करें, आप 6 के 6 तरीके से हल करेंगे किसी एक सवाल को, ताकि आपको उनके फॉर्मूले पता हों कि अगर ये पहली एंट्री है A11 तो 7 A11 को फैक्टर आएगा, A12 A12 A13 A13 सेकेंड रो के लिए A21 A21 प्लस A22 A22 प्लस A23 A23 थर्ड रो के लिए A31 A31 A32 A32 A33 A33। सिमिलरली कॉलम के लिए A11 A11 और ये अब प्लस कौन सी रो A21 A21 और ये आप A31 A31 इस तरह आपके दो। तो तीनों मैंने 3 तरीकों से किया, आपने 6 के 6 तरीकों से एक सवाल करना है, लेकिन पेपर में तो किसी एक तरीके से, यानी हम हमेशा किस रो से हल कर देंगे, पहली रो से, लेकिन एक्सपेंड आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से कर सकते हैं। अब मैं मज़ीद कुछ क्वेश्चन करता हूँ ताकि आपको सही क्लियर हो। इसमें बहुत कोई 20-25 क्वेश्चन ऐसे हम करेंगे 3.3 में जिनका 3 × 3 का आपने डिटरमिनेंट निकालना होगा, तो आज आप अच्छी तरह सीख लें ताकि ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ही अच्छी हो जाए। फॉर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 को 5 - 2 - 3 - 1 - 1 - 2 - 1 - 2 अभी आसान है। पहले हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम R1 रो 1, मैंने क्या तरीके बताया, पहले रो 1 की पहले एंट्री लिखते हैं, अब इसके साथ साइन कौन सा आएगा चेक करते हैं, ये जो पहली एंट्री है कौन सी रो में है, पहली रो और कॉलम कौन सा है, पहला रो और कॉलम को जमा करें 1 + 1 = 2 इवन होगा तो प्लस, अब ये यार टल लगाना कि इवन होगा तो प्लस क्यों, क्योंकि मैंने बताया था फॉर्मूला होता है -1 की पावर i + j, क्योंकि ये A11 के साथ कैपिटल A11 होता है, कैपिटल A11 का मतलब होता है -1 की पावर i + j, यानी i + j के मतलब 1 + 1 और साथ m11 का मतलब है पहली रो और पहले कॉलम को छोड़ के डिटरमिनेंट ले लें। लेकिन अब हम आपको डायरेक्ट बताया करेंगे कि अगर रो और कॉलम को जमा करें ऑड आए तो माइनस इवन आए तो प्लस। अब पहली एंट्री जो है 5 फर्स्ट रो है फर्स्ट कॉलम 1 + 1 = 2 इवन है तो प्लस। अब 5 जिस रो में आ रहा है वो रो छोड़ देते हैं और वो कॉलम, बाकी बचेगा -1 - 1 - 1 - 2। फिर क्या होता है फर्स्ट रो से एक्सपेंड करें तो फर्स्ट रो की सेकेंड एंट्री 2 है, 2 कौन सी रो में आ रहा है फर्स्ट रो है और 2 कॉलम कौन सा है सेकेंड, 1 + 2 रो और कॉलम को जमा करें 1 + 2 = 3 ऑड है तो माइनस और पहली रो छोड़ देंगे और दूसरा कॉलम 3 - 1 - 2 - 2। फिर आखिरी एंट्री पहली रो की -3 है, ये रो छोड़ देंगे और ये कॉलम देखें -3 पहली रो में आ रहा है और कॉलम कौन सा थर्ड 1 + 3 = 4 है, 4 इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ दें और ये -3 जिस रो में आ रहा है रो छोड़ देते हैं वो कॉलम 3 - 1 - 2 - 1 ये 5। अब आप पता है मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी -1 मल्टीप्लाई बाई
माइनस टू दरमियान में माइनस वन मल्टीप्लाई बाई वन, थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस टू माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन, माइनस थ्री थ्री मल्टीप्लाई बाई वन, और आपके पास आए माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन। मेन डायगोनल एंट्रीज आपस में, सेकेंडरी डायगोनल एंट्रीज आपस में, मेन डायगोनल एंट्री थ्री मल्टीप्लाई बाई माइनस टू माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई वन, थ्री मल्टीप्लाई वन दरमियान माइनस माइनस टू मल्टीप्लाई बाई माइनस वन, फाइव माइनस माइनस प्लस टू माइनस वन, थ्री थ्री मल्टीप्लाई माइनस टू माइनस सिक्स, माइनस नाइन प्लस टू थ्री वन थ्री, माइनस नाइन प्लस माइनस माइनस टू तो ये फाइव, टू माइनस वन वन, माइनस टू माइनस सिक्स प्लस टू माइनस फोर, माइनस थ्री थ्री माइनस टू वन तो ये फाइव वन दर फाइव, माइनस नाइन प्लस टू फोर दर एट, माइनस थ्री एट और फाइव थर्टीन, माइनस थ्री टेन। तो मेरे ख्याल में बहुत ही आसान हो गया, थ्री क्रॉस थ्री यानी तीन रो और तीन कॉलम वाला जो स्क्वायर मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं वो आज आपने सीख लिया। कोई भी रो किसी रो से हल कर सकते हैं, हमेशा हम फर्स्ट रो से हल किए करेंगे। तो पहले क्या लिखें, फाइव जिस रो में आ रहा है रो छोड़ दो कॉलम, बाकी जो बच जाता है उनका डिटरमिनेंट इलामा चेक करनी है, साइन कौन सा आएगा। फाइव पहली रो में है, पहला कॉलम वन प्लस वन टू, इवन है तो प्लस, फिर टू लिखें फर्स्ट रो की सेकंड एंट्री, टू पहली रो में आ रहा है दूसरे कॉलम वन प्लस टू, थ्री आड है तो माइनस, ये रो छोड़ दें ये कॉलम थ्री वन माइनस टू माइनस टू, फिर आखिरी एंट्री लिखेंगे माइनस थ्री, फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री माइनस थ्री है, पहली रो में आ रहा है तीसरे कॉलम वन प्लस थ्री फोर, ईवन है तो प्लस, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम थ्री माइनस वन माइनस टू वन। आगे आपको करना आता है, एक पार्ट और करता हूँ, फिर आज आपने 3.3 में जो जितने भी क्वेश्चन हैं थ्री क्रॉस थ्री के बहुत सारे दिए हैं, जो विदाउट एक्सपेंशन जो है, एक आगे क्वेश्चन आएंगे विदाउट एक्सपेंशन वो आपने नहीं करने, और जो एक्सपेंशन वाले हैं वो सारे आज आपने कर लेने हैं। लेक्चर कैंप में बता दूंगा कौन कौन से अपने क्वेश्चन करने हैं। काफी सारे हो जाएंगे, एक पार्ट में भी और करता हूं, इसका है फोर्थ पार्ट। पहली रो है ए प्लस एल ए माइनस एल ए ए ए प्लस एल ए माइनस एल, और लास्ट रो है ए माइनस एल ए और ए प्लस एल। यहां देखिए मैंने क्या बताया कि हम एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन, आर वन देखना या पूरा लिखना रो वन, तो मैंने क्या बताया रो वन की पहली एंट्री लिखनी है ए प्लस एल, फिर इसकी सलामत कौन सी आएगी, पहली रो है पहला कॉलम वन प्लस वन टू, इवन है तो प्लस आएगा, ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम, इधर ब्रैकेट लाजमी लगाना, अगर एक एंट्री हो तो फिर ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अगर एक से ज्यादा हो तो फिर ब्रैकेट लगानी है। क्यों जरूरी है मैं बता दूँ, फर्स्ट रो छोड़ दें फर्स्ट कॉलम ए प्लस एल ए माइनस एल ए और ए प्लस एल, फिर आप कौन सी एंट्री लेंगे सेकेंड फर्स्ट रो की, इसके साथ साइन चेक करने के लिए क्या करेंगे, ये सेकेंड एंट्री जो फर्स्ट रो में आ रही है और कॉलम सेकेंड है वन प्लस टू, रो वन है कॉलम टू वन प्लस टू, थ्री आड है, अगर आड है तो बाहर क्या आएगा माइनस, अब क्या करते हैं ये रो छोड़ देते हैं और ये कॉलम ए माइनस एल जिस रो में आ रहा है वो रो और वो कॉलम, बाकी देखने क्या नजर आ रहे हैं ए ए माइनस एल और ए माइनस एल और ए प्लस एल, आखिर में लास्ट एंट्री कौन सी रो में आ रही है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम वन प्लस थ्री फोर, फोर इवन है तो साथ क्या आएगा प्लस, आप क्या करेंगे ये रो छोड़ देंगे ए जिसमें आ रहा है वो कॉलम और वो रो, बाकी क्या बच गया ए ए प्लस एल ए माइनस एल और ए। अब इसको हम जरा सॉल्व करते हैं, अब मैं कह रहा था ब्रैकेट क्यों लगाना जरूरी है, फॉर एग्जाम्पल हमने पहली एंट्री लिख दी ब्रैकेट नहीं लगाई ये रो छोड़ दी ये कॉलम, अब इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स एल है वो सिर्फ अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है ए नहीं हो रहा, क्योंकि पहली एंट्री मल्टीप्लाई हो रही है तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है, ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा।
ए प्लस एल, अब टू क्रॉस टू का डिटरमिनेंट ए प्लस एल किस में अप्लाई होगा, ए प्लस एल से, तो क्या हो जाएगा ए प्लस एल का स्केयर मेन डायगनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई करें माइनस सेकेंडरी डायगनल ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एल। इधर देखें ए मल्टीप्लाई होगा ए प्लस एल से, दरमियान में माइनस, मेन डायगनल एंट्रीज आपस में मल्टीप्लाई होंगी, दरमियान में माइनस और सेकेंडरी डायगनल एंट्रीज आपस में, ए माइनस एल मल्टीप्लाई बाई ए माइनस एल, ए माइनस एल का स्केयर। इधर भी ए मल्टीप्लाई बाई ए, ए स्केयर माइनस ए प्लस एल के मल्टीप्लाई होगा ए माइनस एल से, तो ए माइनस एल और ए प्लस एल। ये देखिए ए प्लस एल, ए स्केयर प्लस एल स्केयर प्लस टू ए एल, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर माइनस माइनस प्लस ए एल, माइनस ए मल्टीप्लाई बाई ए माइनस ए स्केयर माइनस माइनस प्लस ए एल। इधर क्या आएगा ए माइनस एल, ए मल्टीप्लाई बाई ए स्केयर, ए मल्टीप्लाई बाई एल, ए एल, दरमियान में आपके पास क्या आएगा माइनस, इधर क्या आएगा ए माइनस एल का स्केयर, ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस टू ए बी, यानी ए स्केयर प्लस एल स्केयर माइनस टू ए एल, बाय माइनस है लिहाजा ब्रैकेट में लिखेंगे प्लस ए, ए स्केयर ए माइनस बी और ए प्लस बी फॉर्मूला होता है ए स्केयर माइनस एल स्केयर। तो ये आ गया आपके पास ए प्लस एल और ए स्केयर कट गया, एल स्केयर टू ए एल और ए एल कितने हो जाएंगे थ्री ए एल माइनस ए माइनस एल, यहाँ क्या आएगा ब्रैकेट ओपन करते हैं ए स्केयर प्लस ए एल माइनस ए स्केयर माइनस एल स्केयर माइनस माइनस प्लस टू ए एल प्लस ए ए स्केयर माइनस ए स्केयर प्लस एल स्केयर। अब देखें इसको मजीद सिंपलीफाई, ए प्लस एल और इधर आएगा एल स्केयर प्लस थ्री ए एल, इधर आएगा माइनस ए माइनस एल और यहाँ ए स्केयर स्केयर कट जाएगा टू ए एल और ए एल कितने ए एल थ्री ए एल माइनस एल स्केयर प्लस ए, ये कट गया पीछे क्या बच गया एल स्केयर। अब इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाई बाई एल स्केयर, इधर लिख देता हूँ ए एल स्केयर, पहले ए को एल स्केयर से मल्टीप्लाई करते हैं फिर ए को थ्री ए एल, ए और ए कितने ए बनेंगे थ्री मल्टीप्लाई होके थ्री ए स्केयर एल, फिर एल मल्टीप्लाई बाई एल स्केयर एल क्यू, फिर एल मल्टीप्लाई बाई ए एल स्केयर, फिर दरमियान में माइनस है ब्रैकेट लगा लेते हैं ए मल्टीप्लाई बाई थ्री ए एल थ्री ए स्केयर एल, फिर ए मल्टीप्लाई बाई एल स्केयर माइनस ए एल स्केयर माइनस एल मल्टीप्लाई बाई थ्री एल माइनस थ्री ए एल स्केयर, और लास्ट में माइनस और माइनस प्लस एल मल्टीप्लाई बाई एल स्केयर एल क्यूब, और एंड पे इधर क्या हो गया ए एल, आपके पास कितना ए एल स्केयर, ब्रैकेट खोलते हैं ए एल स्केयर प्लस थ्री ए स्केयर एल प्लस एल क्यू प्लस थ्री ए एल स्केयर माइनस थ्री ए स्केयर एल प्लस ए एल स्केयर माइनस माइनस प्लस थ्री ए एल स्केयर प्लस एल क्यू प्लस ए एल स्केयर। अब देखें कोई कटते हैं, सबसे पहले देखें जी आपके पास एल क्यू वाले, ये सॉरी यहाँ एल क्यू वाला आएगा माइनस का, क्यों ये प्लस है लेकिन बाय क्योंकि माइनस है, तो ये क्या आएगा माइनस, साइन चेंज हो गया, ये माइनस का जाएगा माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस, ये आपके पास एल क्यू, एल क्यू से कट जाएगा। अब देखें थ्री ए स्केयर माइनस का और थ्री ए स्केयर प्लस का, ये भी कट जाएगा। अब काउंट कर लेते हैं ये एल स्केयर ए एल स्केयर है, ये थ्री थ्री और फोर हो गए, फोर और वन फाइव और थ्री एट और वन नाइन ए एल स्केयर, सारे ए एल स्केयर बच गए ना, ये भी ए एल स्केयर 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 और ये भी ए एल स्केयर, टोटल काउंट कर लेते हैं इधर एक है इधर तीन चार पाँच और तीन आठ और एक नौ, ये आपका आंसर आ गया नाइन ए एल स्केयर। एक बार फिर देख लेते हैं कि जब ये सवाल करना है
तो किसी एक रोज को या किसी एक कॉलम को एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंडिंग फ्रॉम रो वन, पहले एंट्री लिखें वो जिस रो में आ रहा है, वो रो छोड़ दें, वो कॉलम ए प्लस एल, ए माइनस एल, ए और ए प्लस एल का डिटरमिनेंट। ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम वन प्लस वन टू, इवन होगा तो प्लस, फिर ए माइनस एल, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वन प्लस टू थ्री, आड है तो माइनस, ब्रैकेट ये लगाना लाजमी है ये वाला क्योंकि दो एंट्री हैं। तो ये रो छोड़ देते हैं, ये कॉलम ए, ए माइनस एल, ए माइनस एल और ए प्लस एल, फिर लास्ट फर्स्ट रो की लास्ट एंट्री ए, फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम में वन प्लस थ्री फोर, इवन है तो प्लस, ये रो छोड़ देते हैं, ये कॉलम जैसा कि ये देख लें, ये रो छोड़ दी और ये कॉलम, तो बाकी क्या बच गया, ए ए प्लस एल, ए माइनस एल और ए इसका डिटरमिनेंट, आगे आगे खुद सिंप्लीफाई कर लें। तो अब देखें स्टूडेंट के क्वेश्चन नंबर वन के छह पार्ट हैं, ये सारे करने हैं। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर फोर में दो पार्ट हैं, दोनों का डिटरमिनेंट निकालना है और साथ कुछ कोफैक्टर निकालने हैं, तो वो कोफैक्टर मैंने कल बता दिया था। तो क्वेश्चन फोर के दो पार्ट हो गए और ये छः पार्ट आठ हो गए। उसके बाद आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व, ट्वेल्व में दो पार्ट हैं, तीन पार्ट हैं लेकिन एक है फोर रोज हैं, फोर कॉलम, अभी मैंने सिर्फ थ्री रोज और थ्री कॉलम वाला बताया है, लिहाजा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व में सिर्फ आपने पार्ट वन का डिटरमिनेंट निकालना और पार्ट टू का। अब होगा क्या, उसने पूछा क्या ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर, आपने दोनों का एक उनका नाम ए रख लें तो ए का डिटरमिनेंट या डायरेक्ट डिटरमिनेंट निकाल लें, तो अगर वो जीरो आ जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और अगर जीरो नहीं आए नॉन जीरो तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि सिंगुलर मैट्रिक्स आपने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज इक्वल टू जीरो, और नॉन सिंगुलर में अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी नॉन सिंगुलर इफ इट्स डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो। तो कितने पार्ट हो गए, दो पार्ट, ये क्वेश्चन नंबर वन के छः पार्ट और क्वेश्चन नंबर फोर के दो पार्ट, दस पार्ट आपने कल करने हैं। सब यही काम करना है कि पहली रो से सबको एक्सपेंड कर लें, वैसे मैंने आपको तमाम तरीके बता दिए कि फर्स्ट रो से भी हो सकता है, सेकंड रो से, थर्ड रो से, फर्स्ट कॉलम से, सेकंड कॉलम से और थर्ड कॉलम से। कल इंशाल्लाह डिटरमिनेंट की हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, तो उसके बाद मज़ीद हम क्वेश्चन करेंगे। अल्लाह हाफिज़।